के घर में जब जैस्मिन और रुबीना की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब शायद से ये जगह निकिता बोली ने ले ली है। लेकिन इस बात पर टिप्पणी करती भी नजर आ रही है जैस्मिन भसी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में जब सर्वाइवल टास्क हुआ है, कल का एपिसोड देखा और जिस तरीके से निकी तंबोली ने डिच किया है, कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है कि निकी को वो नहीं करना चाहिए था। जबकि निकी का ये डिसीजन था कि वो जिससे प्यार करती है, जिसे वो मानती है, यानी कि रुबीना दिलायक, वो अच्छे से रहे, वो अच्छे से जीते, उनको जो दाल चावल मिल रहा है वो उसके लिए राजी है, उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कहते हैं उनको क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, लेकिन वो उनके लिए खेलना चाहती है जो कि अच्छे से उनके फ्रेंड्स जो है, जिनके जो उनके क्लोज है। सो यहाँ पर मतलब राहुल वैद्य को भी पता था कि कहीं ना कहीं निकी तंबोली जो है वो अपोजिट टीम के लिए खेलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर रुबीना दिलायक के लिए जो है वो टोन कसती नजर आई है, निकी तंबोली के लिए कहती हुई नजर आई है। ये क्या बात हो गई निकी तंबोली की कि वो अपोजिट टीम से खेल रही है। यहाँ पर रुबीना ने निकी तंबोली को इन्फ्लुएंस किया है अपनी टीम के लिए खेलने के लिए। सो गाइस, आप लोगों को लगता है क्या निकी तंबोली को अपनी टीम की तरफ लाने के लिए रुबीना दिलायक ने कुछ भी ऐसा किया है जिस हिसाब से जैस्मिन भसीन कहती हुई नजर आ रही है? सो आप लोगों को क्या है लगता, क्या है कहना, राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।